हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहा हूं वह साइक्लोपाम 10 mg इंजेक्शन है। इंडिको रेमेडीज लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया जाता है। फ्रेंड्स, रिव्यू को करूं कंटिन्यू, इसके पहले करूंगा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप तक आ जाएँ और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें, अधूरी जानकारी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। आइए बात करते हैं इस प्रोडक्ट के कंपोजिशन के बारे में। साइक्लोपाम 10 mg इंजेक्शन के अगर कंपोजिशन को देखा जाए तो इसमें डाइसाइक्लोमिन 10 mg की मात्रा में उपलब्ध होता है। इस मेडिसिन का प्राइमरी यूज़ पेट में दर्द से निजात पाने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अगर कीमत की बात की जाए तो 30 ml का एक बॉटल मार्केट में 65 rupees का उपलब्ध होता है। डिफरेंट फार्मा ऐप के द्वारा आप इस मेडिसिन को कुछ कम कीमत पर भी परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके कुछ अगर सब्सटीट्यूट ब्रांड्स की अगर बात की जाए तो इसमें मेफ्टाल इस्पात इंजेक्शन जिसे ब्लू क्रॉस लेबोरेटरीज लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है, डिकोलिक 10 mg इंजेक्शन जिसे कॉन्टेस्ट केमिकल लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है, कोलेजा 10 mg इंजेक्शन जिसे DWD फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है, एंटी इस्पात 10 mg इंजेक्शन जिसे इंटास फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है, और इस्पात इंजेक्शन जिसे टॉर्क फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे सब्सटीट्यूट ब्रांड है जो सेम कंपोजिशन के साथ मार्केट में उपलब्ध हैं और आप साइक्लोपाम 10 mg इंजेक्शन न मिलने की स्थिति पर इन इंजेक्शन को परचेस कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अब इस मेडिसिन के प्रमुख इस्तेमाल के बारे में। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया है, इसका प्रमुख इस्तेमाल पेट में होने वाले दर्द से निजात पाने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इंटेस्टिनल कोलिक, बिलियरी कोलिक, पेट में दर्द होना, ऐठन होना, मरोड़ होना इत्यादि स्थितियों में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव की अगर बात की जाए तो उबकाई का आना, तंद्रा का आना, चक्कर आना, दृष्टि का धुंधला होना, मुंह सूखना, घबराहट होना और दुर्बलता का महसूस होना इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं। इस मेडिसिन का अगर इस्तेमाल की अगर बात करें या इंजेक्शन के इस्तेमाल की बात करें तो आपका डॉक्टर या नर्स आपको यह इंजेक्शन देगी। सेल्फ एडमिनिस्टर करने की कोशिश ना करें, यह हानिकारक हो सकता है। फ्रेंड्स, अब समझने की कोशिश करते हैं कि मेडिसिन कैसे काम करती है। तो फ्रेंड्स, साइक्लोपाम 10 mg इंजेक्शन एक रसायन को कम करता है और शरीर की मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है। डाइसाइक्लोमिन एक एंटी स्पाज्मोटिक और एंटी कोलिनर्जिक कंटेंट होता है जो पेट और इंटेस्टाइन की जो मांसपेशियां होती हैं उन पर डायरेक्ट असर डालता है और उनका जो संकुचन होता है यानी जो उसमें कंट्रक्शन होता है उसको कम करता है, उसमें आराम दिलाता है जिसके कारण आप राहत महसूस करते हैं। फ्रेंड्स, अगर इस इंजेक्शन की डोज मिस हो जाए तो आपको जितना जल्दी हो सके ले लेना चाहिए अगली डोज, परंतु अगर नेक्स्ट डोज का टाइम हो गया है तो आपको मेडिसिन के डोज को डबल नहीं करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं इस जुड़ी कुछ सावधानियों के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर अल्कोहल के साथ आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे तो दुष्प्रभाव के बढ़ने की संभावना हो जाती है, इस कारण आप इस मेडिसिन को अल्कोहल के साथ इस्तेमाल ना करें। अगर आप गर्भावस्था में हैं या स्तनपान करा रहे हैं तो अपने डॉक्टर से आपको इस विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। अगर आप किडनी या किसी प्रकार के लीवर की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ही सावधानीपूर्वक करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये इस वीडियो में बस इतना ही है। किसी अन्य अच्छे टॉपिक के साथ बहुत जल्दी आप तक उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।